हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल हेयर स्कूल और मैं हूं सुमन। फ्रेंड्स कैसे हैं आप? फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो साइड में रेड बटन है इसे दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसके साथ साथ जो ये बेल आइकन है प्लीज आप इसे भी प्रेस करें। इसे प्रेस करने से क्या होगा कि आपको हमारे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं हमारे आज के वीडियो के बारे में। फ्रेंड्स आज का हमारा जो वीडियो है वो ब्यूटी से रिलेटेड है। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि CTM क्या होता है और इसको कैसे करना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में हम आपको प्रॉपर फुल एप्लीकेशन शो करके दिखाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके लिए हम प्रोडक्ट्स जो यूज़ कर रहे हैं वो देख लीजिए एक बार कि हम क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स इसके लिए हम क्लिंजर यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं सारे लोकल वोकल जो आजकल चल रहा है, लोकल वोकल वो सभी यूज़ करूँगी। कहने का मतलब ये है कि मैं सब लोकल प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी। तो मैं यहाँ पर क्लिंजिंग मिल्क भी लोकल यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद जो टोनर के एज अ टोनर जो मैंने यूज़ किया है वो मैंने रोज़ वाटर यूज़ किया है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो मतलब क्रीम यूज़ की है मैंने यहाँ वो भी डाबर की यूज़ की है, वो भी लोकल है, ठीक है। तो अब क्या आप तैयार हैं हमारा आज का वीडियो देखने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स CTM करें उससे पहले आपको CTM का मतलब पता होना चाहिए कि एक्चुअल में CTM होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर C का मतलब होता है क्लिंजर, T का मतलब है टोनर एंड M का मतलब है मॉइस्चराइजर, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम जो क्लिंजर कर रहे हैं वो क्लिंजिंग मिल्क से कर रहे हैं, ठीक है। क्लिंजर से क्या होता है फ्रेंड्स, जितना भी हमारे फेस पर डस्ट पॉल्यूशन जो भी है वो सब क्लीन हो जाता है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन हम क्लिंजर की जो है 3 से 4 मिनट तक करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास घर में क्लिंजर अवेलेबल नहीं है, क्लिंजिंग मिल्क अवेलेबल नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप जो भी फेस वॉश यूज़ करते हैं उससे अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, ठीक है। तो इसका हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमें अपने फेस से जितनी भी डस्ट पॉल्यूशन है उसको क्लीन करना है, ठीक है। तो आप अच्छे से मसाज करें 3 से 4 मिनट तक और सारी जितनी भी डस्ट पॉल्यूशन है उसको क्लीन कर दें, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब हम फेशियल टिश्यू की हेल्प से इसको वाइप कर देंगे, ठीक है, जो हमारी जितनी भी डस्ट पॉल्यूशन निकली है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने क्लाइंट का फेस क्लीन कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब जो हमारा सेकंड स्टेप है वो है टोनर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर टोनर के तौर पर हम यूज़ कर रहे हैं रोज़ वाटर, ठीक है। तो ये हम एक कॉटन पैड लेंगे, उस पर इसकी कुछ ड्रॉप्स डालेंगे, अब क्लाइंट के फेस पर डैप डैप करेंगे, ठीक है, इस तरीके से जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं इस तरीके से करना है। तो ये करने के बाद फ्रेंड्स आपको 2 से 3 मिनट तक छोड़ देना है एज इट इज़, ताकि ये स्किन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो सकें, ठीक है, जो हमने टोनिंग की है। अब देखिए इस तरीके से अच्छे से हल्के हाथ से टैप टैप कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स, ठीक है। हमने फर्स्ट स्टेप में क्लिंजर कर लिया, सेकंड स्टेप में टोनर कर लिया है, ठीक है, टोनिंग भी हो गई स्किन की। अब थर्ड स्टेप में फ्रेंड्स हम मॉइस्चराइज़र के तौर पर यहाँ पर रोज़ क्रीम यूज़ करेंगे, जो कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। मुझे ये क्रीम बहुत अच्छी लगती है, मैं हमेशा इसे एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। अपने हैंड्स पे, फेस पे जो भी मसाज करनी हो मैं इसी से करती हूँ, ठीक है। वैसे भी अब विंटर सीज़न आ गया है तो हमारे जो स्किन है, हैंड्स है, वो काफ़ी ड्राई हो जाते हैं, ठीक है, होना शुरू हो जाते हैं। तो वो ना हो उससे पहले आप ये क्रीम ही यूज़ कर लें तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। तो आप इसको 3 से 4 मिनट तक करेंगे, ठीक है, मसाज करेंगे इस क्रीम की,
इस तरीके से, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये हमारी हो गई है कंप्लीट। फ्रेंड्स, ये प्रोसेस आपको दिन में दो बार फॉलो करना है डेली। इसके करने से आपकी स्किन हेल्दी एंड ग्लोइंग रहेगी। हम फ्रेंड्स जैसे किसी क्लाइंट का मेकअप करते हैं तो हम मेकअप करने से पहले भी ये चीज़ फॉलो करते हैं, और जब हमें मेकअप रिमूव करना होता है मेकअप रिमूव के बाद भी ये स्टेप फॉलो करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।